सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को, और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जैन दोस्तों, बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के 41,520 पदों के बारे में, और यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि सिविल पुलिस में कितने पद खाली रह गए थे और उसके लिए सेकंड लिस्ट लगने का क्या प्रोसीजर है और इसमें कहाँ तक हम पहुँचे हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ लोगों का कहना था कि इतनी वैकेंसी खाली नहीं रही है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो जाएगी। और एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा यहाँ पे कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी का अहित चाहें। इस वीडियो का बनाने का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि इसकी वजह से हो सकता है किसी जरूरतमंद को नौकरी मिल जाए। तो चलिए यहाँ पे कम्प्लीटली सारी चीज़ें मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपके सामने स्टेटस है, ये है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ पे जो दरबार लगता है उसमें आप जाके एप्लीकेशन जो देते हैं, ये उसका स्टेटस है। तो कुछ अभ्यर्थी थे जैसे मुकुल चौधरी, रूपेश कुमार व अन्य कुछ लोगों ने जाके वहाँ पे एप्लीकेशन दिया था और वहाँ पे जो अपनी दिक्कत थी वो सामने रखी थी और बताया था। प्राधिकरणों के प्रार्थना पत्र पर विचार कर सभी 41,520 पदों को भरे जाने और न्यूनतम कट ऑफ से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाने तथा उनके मेडिकल परीक्षण कराए जाने के संबंध में, तो इसकी जो नियत तिथि है यानी इसे फाइनल करने की जो तारीख बताई गई थी 8 सितंबर 2019 तक इसे फाइनल कर दिया जाएगा, जो इसका स्टेटस होगा। और जो शिकायत की स्थिति है वो लंबित है अभी, यानी इस पे काम चल रहा है और संलग्न यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसे आगे भेजा गया है डीजी भर्ती ओर से चर्चा कि शासन की नीति के अनुसार चयन वर्ष में प्रतीक्षा सूची निर्गत नहीं की गई है इस प्रार्थना। तो यहाँ पे देख सकते हैं अधीनस्थ को प्रेषित किया गया है, इसके बाद फिर से प्रेषित कर दिया गया और यहाँ पे अभी अनमार्क है। तो ये जो स्टेटस है ये 14 अगस्त 2019 तक का है। जो अभ्यर्थी अभी चाहते हैं कि 3 सितंबर 2019 तक अगर कुछ नहीं होता है तो लखनऊ में जाया जाए सीएम आवास पर और वहाँ से बात करी जाए सीएम योगी आदित्यनाथ जी से और इसके बारे में पूरी जानकारी ली जाए कि सर इसका क्या होगा। तो उम्मीद है कि उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे उसके लिए एप्लीकेशन दिया गया और इस पर बाकायदा काम भी हो रहा है। अब दूसरी बात आ जाती है कि क्या वास्तव में वैकेंसी खाली है या नहीं, तो चलिए वो चीज़ भी आपकी क्लियर कर देता हूँ, एक भी डाउट बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी अकादमी मुरादाबाद। तो यहाँ पे नोटिस डाला हुआ है निविदा विज्ञप्ति, तो 23/7/2019 को इसे दिया गया है, 23/7/2019 को पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश अकादमी मुरादाबाद द्वारा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे जितने बर जो भी सेंटर बनाए गए जहाँ जहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा है उनकी टोटल संख्या बताई गई है कि कितने अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग कौन से सेंटर पर चल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि बदायूं में 198, बहराइच में 132, इस तरीके से अभ्यर्थियों की संख्या है जो कि केवल फाइनल सेलेक्ट हुए हैं और जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। और टोटल यहाँ पे मैं आपको क्लियर करा देना चाहूँगा, चलिए लास्ट में यहाँ पे देख लेते हैं। और जो भी बाहर के जो भी सेंटर हैं, 10 सेंटर जितने और सेंटर हैं, सभी सेंटर का यहाँ पर टोटल देखेंगे आप 20,349 और जो वैकेंसी थी 23,520 वैकेंसी हैं सर सिविल पुलिस में। और भर्ती कितने हुए यानी ट्रेनिंग कितने की हो रही है 20,349। तो यहाँ पे 3171 वैकेंसी अभी बची हुई है जिन्हें भरा जाना अभी बाकी है। अगर आप नीचे कट ऑफ में आते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली श्योर कह सकता हूँ, आप थोड़े से एफर्ट्स लगाएंगे, सपोर्ट करेंगे एक दूसरे का, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आपकी जो लिस्ट होगी वो जारी कर दी जाएगी और इसका इफेक्ट किसी पे गलत तो पड़ना ही नहीं है कि जो अभ्यर्थी सेलेक्टेड है उन पे भाई कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई बुरी बात तो है नहीं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि सभी को नौकरी मिले और 41,520 को जरूरत है कि 49,568 वाले अभ्यर्थी भी सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनके साथ भी ऐसी कोई घटना हो जाए। अगर इस चीज़ को वो पहले से ही सपोर्ट करेंगे तो उन लोगों को भी फायदा मिल सकता है आने वाली भर्तियों में, क्योंकि इस तरीके के नियम होने चाहिए। जब वैकेंसी खाली रह जाती है तो मान के चलिए किसी का 0.1 नंबर कम है, वैकेंसी 3171 खाली है, तो इस अभ्यर्थी की क्या गलती है कि इसे सिलेक्शन ना मिले। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई है, 3171 आपकी जो वैकेंसी है सिविल पुलिस में अभी खाली है। बात आ जाती है आपके पीएससी की मेडिकल, अभी चली रहे हैं पीएससी के मेडिकल, टोटल वैकेंसी 18,000, तो मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम 2,000 वैकेंसी यहाँ पे भी खाली रहेंगी, डेफिनेटली 100% टोटल वैकेंसी हो जाती है 5171 वैकेंसी खाली है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ, कम से कम 5 नंबर नीचे तक आपकी मेरिट डाउन जा सकती है,
जिसके नंबर 5 नंबर कम तक होंगे उनके चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। उससे नीचे जो अभ्यर्थी हैं उनके भी सिलेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन मैं कम से कम आपको बता के चल रहा हूँ 5 नंबर तो आपका आराम से यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे भाई एक दूसरे का सपोर्ट करिए, डेफिनेटली आप करेंगे तो सारी चीज़ें सामने निकल के आएंगी, एक दूसरे से जुड़े रहिए। और यहाँ पे मैं आप सभी को एक और चीज़ दिखा दूँ, ये एक लिस्ट है जिसमें लगभग 500 अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया गया है और हर एक डिस्ट्रिक्ट से हैं, यूपी के जितने वर जिले हैं सभी जिले के अभ्यर्थी हैं यहाँ पे, आगरा, अलीगढ़, इटावा, जितने वर जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के सभी, और सभी के अभ्यर्थी इस लिस्ट में जुड़ चुके हैं। लगभग 500 अभ्यर्थियों इसमें ऑलरेडी जोड़ा जा चुका है, तो आप भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूँ, ये जो एक मोबाइल नंबर है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9628764032, और इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप संपर्क में आ सकते हैं और आप भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं और दूसरी लिस्ट लगवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं उससे पहले ही कोई ना कोई डिसीजन हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो 3 सितंबर 2019 को लखनऊ चलने के लिए सभी लोग तैयार रहें और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली उस चीज़ का बेनिफिट आप सभी को मिलेगा, चाहे 2015 की बात कर लें या 2013 की बात कर लें। अभ्यर्थियों ने एक साथ मिलकर एकता दिखाई और एकता का परिणाम ये हुआ कि उन्हें अंत में चयन करना पड़ा भर्ती बोर्ड को। अगर आप भी चाहते हैं नौकरी लेना तो प्लीज़ एक बार इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है ये चीज़ उनके पास पहुँच जाए, गवर्नमेंट के पास भी पहुँचे और इस पर इंस्टेंटली कोई ना कोई डिसीजन लिया जाए और उसका जो बेनिफिट होगा आपको डायरेक्टली मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। 49568 वाले अभ्यर्थी भी जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर करें, हो सकता है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे जो भी अपडेट होगी आप सभी को मिलती रहेगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट हो तुरंत आप सभी को मिल जाए, तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।